आईपीएल में होने वाली है किंग्स और रॉयल्स के बीच जोरदार टक्कर। दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला मामूली अंतर से हार कर आ रही हैं। ऐसे में अब दोनों ही टीमें जीत की पटरी पर लौटना चाहेंगी। पंजाब अपने पिछले मैच में हैदराबाद के खिलाफ एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में 2 रन से हार गई। तो वहीं अपनी 5वीं जीत पर नजरें टिकाए राजस्थान को इस सीजन हार का पहला स्वाद चखाया गुजरात ने, जब राशिद खान और राहुल तेवतिया ने डेथ ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रॉयल्स को मात दी। पंजाब को निचले क्रम में शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा के रूप में 2 अनमोल रतन मिल गए हैं। दोनों ने पहले तो गुजरात के खिलाफ 200 रनों के विशाल लक्ष्य का सफल चेज किया, फिर हैदराबाद के खिलाफ भी चमत्कारिक प्रदर्शन कर अपनी टीम को लगभग जीत दिला ही दी थी। उधर राजस्थान का मध्य क्रम इस सीजन बेहद शानदार फॉर्म में है, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं कप्तान संजू सैमसन और उनका बखूबी साथ दे रहे हैं रियान पराग। जॉनी बेस्टो की खराब फॉर्म पंजाब के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। इस इंग्लिश बल्लेबाज ने इस सीजन महज 16.20 की औसत से रन बनाए हैं और अगर वो फॉर्म में नहीं लौटे तो पंजाब मैनेजमेंट विस्फोटक राइली रूसो को मौका देने के बारे में सोच सकता है। दूसरी ओर राजस्थान अपनी टीम के कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव करेगा इसकी संभावना कम है, लेकिन टीम उम्मीद करेगी कि उनके स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल जल्द ही अपनी लय वापस पा ले। पंजाब की बल्लेबाजी काफी हद तक शिखर धवन पर निर्भर है। हालांकि बाएं हाथ के इस धाकड़ बल्लेबाज की फॉर्म अभी तक काफी उतार चढ़ाव वाली रही है। ऐसे में वो रॉयल्स के खिलाफ बड़ी पारी खेलकर अपनी धाक जमाने की फिराक में जरूर होंगे। धवन पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान के खेमे में रविचंद्रन अश्विक नामक हथियार मौजूद है। आंकड़ों पर नजर डाले तो कप्तान धवन के बल्ले से अश्विन के खिलाफ केवल 80.41 की स्ट्राइक रेट से रन निकले हैं। इतना ही नहीं, आईपीएल में धवन इस महान ऑफ स्पिनर के सामने एक भी छक्का जड़ पाने में कामयाब नहीं हुए हैं। इस सीजन पंजाब का प्रदर्शन साधारण रहा है और अब उनका मुकाबला रेड हॉट फॉर्म में चल रहे रॉयल से होगा। हालांकि गुजरात के खिलाफ हार से राजस्थान की टीम में कुछ खामियां दिखी हैं, जिसका फायदा शिखर धवन अपने घर पर होने वाले इस मुकाबले में जरूर उठाना चाहेंगे, लेकिन हमें संजू सैमसन के रॉयल्स ही जीत के प्रबल दावेदार लग रहे हैं।